अभी आ रही नहीं आ रही। ये गांधी सागर में मछुआरे की जाल भी बह गई सब, तो उसका कुछ किया नहीं किया? हेलो, हाँ तो आज आए सर, इनके मैं करवा देता हूँ सर, इनका वो आरती थी 6-4 में। तो अभी तक क्यों नहीं करवाया? ये मछुआरा हमारे भोई समाज के सब लोग बर्बाद हो गए हैं, पहले ही वो कंपनियों पे डिपेंड हो गए, कुछ रिहा नहीं खाने को। अभी 3 दिन में उनकी जाल वाल का सब मुआवजों की व्यवस्था कर दोगे? करवा देना जिन साहब है। अरे सर्वे क्या कराना, बिक गए उसमें क्या सर, भेज गए उसमें क्या सर्वे कराना, एक तरफ से लाइन अप करो। ये बात ये बात मैंने आप लोगों को क्यों सुनवाई, इसलिए कि अधिकारी भी समझ में बदलाव होने वाला है। आप सब भेड़ जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने ये बात क्यों सुनवाई, हमारे चाचा भैया में जैसे ही घुसा रामपुर में तो एक काका थे, कहा है काका, आए क्या इधर? सत्यनारायण जी कहा है? कोठारी जी। अरे यार बोल ही नहीं रहे, घर चले गए बता मुझे डांट के, यही है। तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ लिया, ये जीतू भैया आपका इतना नाम सुना है, सारे अभी बाढ़ आई, सारे हमारे मछुआरे भाई भोई समाज के परिवार के लोग चाले फेंक गई, प्रशासन देख नहीं रहा है। तो भैया कांग्रेस का काम है ना उनकी रक्षा करने का, करोगे कि नहीं करोगे? तो मैंने की तो वो दिखे ही नहीं बतावा, और फिर मैंने चेक किया काका, मैंने कर दिया उनको, अभी कलेक्टर को बोल दिया है। हाँ बुला लो बुला लो, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो मैंने उनको आप लोगों के सामने ये डेमो इसलिए दिया कि अधिकारियों को एहसास है कि मनासा का विधायक भी बदलेगा और प्रदेश की सरकार भी बदलेगी। जन आक्रोश यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करके जनसभा के सामने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा, तुरंत फैसला, त्वरित कार्रवाई, इसके साथ ही अतिवृष्टि के कारण मछुआरों को भी बड़ा नुकसान हुआ था, जिसकी मदद के लिए वे जिलाधीश को अवगत कराने का संदेश दिया। आज जन आक्रोश यात्रा के दौरान जीतू पटवारी ने मनासा विधानसभा के रामपुरा क्षेत्र में जनता के साथ मिलकर सहानुभूति जताई। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जन आक्रोश यात्रा ने सरकार के प्रति जनता के आक्रोश को सुनिश्चित किया है और यह एक सफलता की ओर कदम बढ़ा रही है। इस यात्रा के अंतर्गत जीतू पटवारी ने मनासा विधानसभा के रामपुरा क्षेत्र के बारे में बताया कि कैसे जनता का आक्रोश उनके साथ है और वे अपने समुदाय के लिए उनकी आवाज बन सकते हैं। यह यात्रा दिखाती है कि जनता का आक्रोश एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे वे अपनी आवाज को सुनवाई कराने का प्रयास कर सकते हैं और सरकार को जनता की मांगों और समस्याओं का समय पर समाधान देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इससे सामाजिक संवाद में भाग लेने का भी मौका मिलता है, जिससे समाज के मुद्दों के बारे में चर्चा हो सकती है और समाधान निकाला जा सकता है।